ऐसी मतलब मैं सीन की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस दौरान मुझे लगा कि कोई गाना वाना गा देना चाहिए इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो और दिल्ली का जो बाकी में भी दिल्ली का लड़का है पंजाबी हो और वो फ्लर्ट ना करे तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना और मतलब जितने भी हम दिल्ली वाले लॉन्डे जितने भी ये देख रहे हैं हम लोगों के लिए वो बेजती की बात हो जाएगी इफ़ यू आर नॉट फ्लोटिंग विद अ ब्यूटिफुल गर्ल तो अपेरेंटली अभी अभी मैंने गाना शुरू किया है तो एक जहन में गाना है अगली के लिए वो ये था कि धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया आसमां चल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ अभी मैंने चांस लिया था निकली <laughs> है दिल से ये दुआ रंग दे तुम गेरुआ हो रांझे की दिल से है दुआ रंग दे तुमें गेरुआ वा, 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 वा। तो ए

अपना सीख रही है तो मेरे को बोल रही थी रूम पे बैठ के कि जब भी हमारा कभी भी कोई इंटरव्यू का सेशन होगा तो मैं तेरे लिए गाना ज़रूर गाऊंगी तो अब मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाने वाला हूँ कि मैं तो बोल ये इसको याद नहीं है वो मुझे याद रहता है यूजुअली चीज़ें <laughs> तो <laughs> तो क्या है कि ये मेरे लिए गाना गाने वाली है एक और बोल रही थी बड़ा ही एक अच्छा सा रोमांटिक सा गाना गाऊँगी तो यार गाई दे जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मैं रेत जैसी उड़ती हूँ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ हो oh, 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 oh. देखो दिल से गाई भी चीज जब मैं गाना दिल से गाती हूँ तुम्हारे लिए नहीं गा रही थी जस्ट लेटिंग यू नो ओके झूठ बोल रही है इसने मेरे लिए गाना गाया इसने मुझे ये रूम पे भी बताया था कि मैं गाना गाऊंगी तो कुछ नहीं नहीं होते हैं hmm. but definitely हमारा entertainment package है ये हम सब का इससे बड़ा नौटंकी नहीं का मैंने <laughs> और लोगों का लोगों को इनैक्ट ऐसे करता है ना ये कि आप पेट पकड़ पकड़ के हंसते हो पेट पकड़ पकड़ के हंसते हो hmm.

की है। हाँ तो इतफाक है कि मैं मुरादाबाद में दूसरी बार शूट कर रहा हूँ तो इससे पहले भी मैं एक सीरियल शूट कर चुका हूँ मुरादाबाद में मेरा एक महीने का स्कड्यूल था तो दिस वॉज द सेकेंड टाइम आई एम शूटिंग इन मुरादाबाद आ, बहुत खूबसूरत जगह बहुत बढ़िया है मतलब लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि हम जैसे डेली में रहते हैं मुंबई में रहते हैं तो बड़े शहर जैसे बोला जाता है अपेरेंटली मुरादाबाद के लिए शायद मैं आई मे भी रॉन्ग बट एक ऐसी ओपिनियन भी हो सकती है लोगों की कि क्या छोटा शहर होगा बट ऐसा कुछ नहीं है ऐसी बहुत सी खूबसूरत लोकेशन है जहाँ हम लोगों ने शूट किया है और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे जिस तरीके का इन्वायरमेंट है आस पास का जैसी कोठियाँ हैं और जैसे है इट मुरादाबाद इज़ नॉट इज इट्स नॉट अ स्मॉल सिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़

आप शी सेड लाइट्स का एंड ऑल दो थिंग्स आप रेस्टोरेंट्स जाओ खाना कहते हैं लोग कि दिल्ली में बहुत uh, स्वादिष्ट खाना मिलता बहुत है बहुत बढ़िया खाना मिलता है मुरादाबाद आओ यारूड अच्छा मज़ा आ जाता है खाना खाने का एंड uh, बाकी आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर इन मुरादाबाद बहुत मज़ेदार जगह है बहुत खुल के हम लोग Uh, मतलब शूट करें खुलापन है ना बेसिकली आप इस साइड पे आते हो जब नॉर्दर्न साइड पे आते हो तो खुलापन मिलता है तो एक ये एक चेंज ओवर हो जाता है कि हम लोग uh, मतलब एक, एक 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 अलग स्टेट से उठ के एक अलग स्टेट में जब शूट करने के लिए आते हैं इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट फील सो आई एम एक्चुअली एंजॉइंग राधा माई इंटायर टीम इज इंजॉइंग शूटिंग इन मुरादाबाद एंड होपफुली हम वापस आएंगे शूट करने के लिए